2021 में अपनी वेबसाइट को यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में कैसे रैंक करें, क्या करना चाहिए, कौन सी मतलब कौन सा डोमेन आपको परचेस करना चाहिए, क्या क्या सेटिंग करना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है जो लोग चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट को आउट ऑफ इंडिया या यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी सिटी में रैंक करवाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को इंडिया में रैंक करते, मतलब .com या .in डोमेन परचेस करना होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यदि इंडिया से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट में आती है तो काफ़ी कम CPC मिलती है और उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती। मेरी एक दो वेबसाइट है जो इंडिया में रैंक की हुई है, जो जिसमें मैंने हिंदी में कंटेंट डाला हुआ है, तो इंडिया में डेफिनेटली रैंक करती है। ठीक है, तो उसमें जो मुझे अर्निंग होती है लगभग 1 लाख व्यू या 10,000 व्यू पे लगभग मुझे $1 तक का मिलता है। ठीक है, तो आप भी चाहते होंगे कि यदि आप आउट ऑफ इंडिया से लगभग 100 का ट्रैफिक भी यदि यूके, यूएसए, कनाडा से आता है तो आपको $1 तो पक्का ही होता है। लगभग मैंने ये भी मार्क किया है कि यदि यूके में से यदि एक क्लिक भी आता है तो $10, $5 तक का अर्निंग एक व्यू पे भी मिल सकता है अपने को। तो क्यों ना अपन ट्राई करें कि 2021 में एक ऐसी वेबसाइट बनाए जो यूके, यूएसए, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह रैंक कर पाए। तो रैंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसा डोमेन परचेस करना होगा, कैसे कंटेंट आपको लिखना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकली वीडियो डालते रहता हूँ जिससे आपको काफी हेल्प हो सकती है। और वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं क्या क्या मतलब टिप्स आपको देने वाला हूँ। ये सब कुछ टिप्स यदि आप फॉलो करोगे तो आपकी वेबसाइट, चाहे वह एक वेबसाइट हो या दो वेबसाइट हो, आप अपनी वेबसाइट को यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में रैंक करवा पाओगे और अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चलते अपने डैशबोर्ड की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बना के डालते रहता हूँ तो ये भी वीडियो प्रैक्टिकली ही होगा। तो आपको यदि मान लो कि आपको अपनी वेबसाइट को यूएसए में रैंक करवाना है, ठीक है, तो यूएसए का एक्सटेंशन आपको यूएस करके होगा। जैसे इंडिया का डोमेन का एक्सटेंशन आप ले सकते हो .in, ठीक है, .in या .com। यदि आप डोमेन परचेस करते हो तो .com या .in यदि परचेस आप करते हो तो इंडिया में डेफिनेटली आप रन कर पाओगे। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है कि आपको डोमेन पर्टिकुलर, जैसे आप इसमें सर्च करोगे कंट्रोल एफ करके, ये आपको विकिपीडिया में दिखाई देगा कि आपको यूएसए में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। ठीक है, तो यूएसए में आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो आपको कौन सा डोमेन, मतलब कौन सा डोमेन आपको परचेस करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सर्च कर रहे हो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक मिनट में बता देता हूँ। जैसे ये देखो, तो इसमें आप एक्सटेंशन आप देख सकते हो यूएस करके, तो यूएस करके आप एक्सटेंशन वाला डोमेन परचेस करोगे तो डेफिनेटली आपका जो डोमेन है या आपकी वेबसाइट है वो यूएस में रैंक करेगी। ठीक है, जैसे आप इन वाला परचेस करते हो तो इंडिया में, और डॉट कॉम वाले हर एक कंट्री में आप रन कर पाओगे, लेकिन उसके लिए क्या क्या सेटिंग करना है ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम करना है, आपको अपनी कंट्री चूज करना है। जैसे यूके में आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो .UK करके आपको परचेस करना होगा। ठीक है, पहला काम आपने ये किया कि अपना डोमेन आपने परचेस कर लिया। ठीक है, एक अच्छा वाला एक होस्टिंग आपको परचेस करना है जो स्लो ना हो। इंडिया में यदि आप कोई होस्टिंग परचेस कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा गोडेडी की, कोई भी क्लाउड वाली होस्टिंग आप परचेस कर सकते हो, जो मैं भी यूज करता हूँ, जो अच्छी खासी स्पीड देती है। ठीक है,
और अपना डोमेन परचेस करने के बाद, होस्टिंग करने के बाद आपको उसको क्लाउड फेयर के साथ कनेक्ट कर लेना है, ताकि क्लाउड फेयर क्या होता है कि ये एक क्लाउड होता है जो हर एक कंट्री वाइज, मतलब अपने जो फाइल्स है उसको हर एक कंट्री में डिवाइड कर देता है। जैसे यूएसए वाले ट्रैफिक यदि कोई आता है अपनी वेबसाइट में, तो यूएसए के सर्वर में से वो अपनी वेबसाइट लोड होगी, तो स्लो लोड नहीं होगी, मतलब फास्ट लोड होगी, ठीक है। तो आपको क्लाउड पहला काम है, आपको जिस भी कंट्री में आपको अपनी वेबसाइट को रन करना है उसका एक्सटेंशन परचेस करना है, जैसे यूके, यूएस और इन, मतलब इंडिया में आपको अपनी ट्रैफिक चाहिए तो इन वाला परचेस कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, आपको एक होस्टिंग लेना है जो फास्ट हो, जैसे गोडेडी की आप होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। और तीसरा काम आपको करना है, क्लाउड फेयर के साथ उसको कनेक्ट करना है, ताकि जिस किसी भी कंट्री से यदि आप होस्टिंग इंडिया में परचेस कर रहे हो, तो क्लाउड फेयर क्या करेगा, आपका जो भी फाइल है होस्टिंग की वो यूएसए के एक सर्वर में डालेगा, और जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होगी, ठीक है। ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम आपको करना है, जैसे कि चौथे काम के लिए आपको जब भी आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करोगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को यूएसए में सबमिट करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, इंटरनेशनल टारगेट आपको करना है कि मेरी वेबसाइट इस कंट्री में रन हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं ये वाली वेबसाइट का बताता हूँ, तो ये कंट्री मेरी इंडिया है, ठीक है। तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं जिस किसी कंट्री में आपको अपनी वेबसाइट को रन करना है, ठीक है। तो इसमें करने के बाद आपको साइट मैप सबमिट करना है, प्लस आपको इंडेक्सिंग के लिए भिजवाना है, ठीक है। और पांचवा काम आपको करना है, जैसे कि आपको यूएसए में अपनी वेबसाइट को डायरेक्टरी सबमिशन करना पड़ेगा, यूएसए डायरेक्टरी सबमिशन लिस्ट। ऐसे करोगे आप तो ये जो लिस्ट आ रही है इसको ओपन करना है, और ये जो वेबसाइट है इसमें आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर पाओगे, जैसे कि ये एक है, तो इसको ओपन करना है आपको और अपनी वेबसाइट यहाँ पर डाल देना है, जैसे कि मेरी वेबसाइट है healthalltips.com, ठीक है। तो ये वाली वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा, एड लिस्टेड में, ठीक। यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देना है, जो भी हो, जैसे परेश मिश्रा @gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो भी आप रखना चाहोगे, आई एम नॉट ए रोबोट, लॉगिन कर लेना है आपको। ऑलरेडी इसमें अकाउंट है मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही 5-20 डायरेक्टरी सबमिशन आपको कर लेना है, जिस किसी में भी आपको करना है, ये इतने लिस्ट दिए हुए, ठीक है। इसमें से आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा मैं बता देता हूँ आपको, ये भी नहीं है, हाँ ये वाला, यूएसए में करना है आपको डायरेक्टरी सबमिशन। तो यहाँ पर आपको जस्ट सबमिट है लिंक, ये कौन सा लिस्ट है आपको, रेगुलर लिंक है, ठीक है। और इसमें आपको टाइटल दे देना है, जैसे हेल्थ है, यूआरएल अपना डाल देना है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो, दिस वेबसाइट इज मेनली, ठीक है। ऐसे करके आपको मेटा डेटा डाल देना है कि हेल्थ है करके,
मेटा डिस्क्रिप्शन हेल्थ डाल देती, नाम डाल देना आपको जो भी डालना है, अपना मेल आईडी आप डाल सकते हो परेश मिश्रा, इसमें एक बार फिर से डाल देते, एग्री कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी सबमिट हो गई, ठीक है। ठीक है, तो ये सबमिट हो चुकी है। इसमें भी क्लिक करके कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये सबमिट हो गई। तो आपको जब भी अपनी वेबसाइट को यूके यूएसए कनाडा में रैंक करवाना है, तो आपको पहले तो उसके एक्सटेंशन परचेस करना होगा। जैसे यूके में आपको सबमिट करना है, यूके के लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो .uk, यूएसए के लिए .us, कनाडा के लिए .ca, ऑस्ट्रेलिया के लिए .au, इंडिया के लिए .in, ऐसे आपको परचेस करना होगा। उसके बाद होस्टिंग परचेस कीजिएगा, उसको क्लाउड फेयर के साथ कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद डायरेक्टरी सबमिशन कीजिए, फिर अपना आर्टिकल लिखना शुरू कीजिए, और गूगल सर्च कंसोल में अपना जो भी कंट्री आपको चूज करना है उस कंट्री को चूज करके, टारगेटेड कंट्री आप चूज करके अपना मतलब स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जिस किसी कंट्री के लिए आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, अब आर्टिकल मेन तो हिंदी में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे सिटी में इंग्लिश प्रेफरेंस में होता है, तो इंग्लिश में आप आर्टिकल लिखिएगा, हिंदी में मत लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश सभी कंट्री में चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को आउट ऑफ इंडिया या यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे सिटी में रन करवा सकते हो। तो आज का वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।